दोस्तों मेरे सामने एक पेशेंट बैठे हैं, उनके क्या हो गया, शादी के बाद एक दो महीने बाद उनको सेक्स में दिक्कत आ गई और बहुत डरे हुए, सब नीम वकीम बोला कि तेरा नस खराब हो गया, ये खराब हो गया, तेरा नस पानी भर गया, कोई पट्टी बांध देता है, कोई दवा खिला देता है, कोई 10,000 महीने पैकेज दे रहा, कई दवा डॉक्टर दिखा ले ठीक नहीं हुआ। अब उनको टेंशन हो गया मैं ठीक हूँगा नहीं हूँगा, इसके चक्कर डिप्रेशन चले गए और लिंग खड़ापन लगभग ख़त्म ही हो गया। तो आप सब जान लो, अगर आपको पुराना अनकंट्रोल शुगर नहीं है, पुराना अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर नहीं है, आप बहुत 10-15 साल से हैवी स्मोकिंग मोर देन 20 नहीं कर रहे हो, आपको एक्सीडेंट में पेनिस चोट नहीं लगा है, तो आपको पेनिस ख़राब कभी नहीं होता है। आप पहले जांच करा लीजिए, कारण खोज लीजिए। अधिकांश केस में मानसिक डर के मारे लिंग का ब्लड फ्लो कम हो जाता है, इसके आप दवा देंगे जिससे आपको ब्लड फ्लो बढ़ेगा, डर भागेगा, अच्छा कड़ापन आएगा, सेक्स होगा, 4-5 महीने दवा खाने के बाद, कुछ सेक्स थेरेपी एक्सरसाइज के बाद कुछ दिन ठीक हो जाओगे। समझ लो, हैंड प्रैक्टिस कोई नुकसान नहीं करता है, स्वपन दोष कोई नुकसान नहीं करता है, लिंग में चिकना पानी कोई बीमारी नहीं है, धात सफ़ेद आना कोई बीमारी नहीं होती है, कभी लिंग लूज रहे, कभी मोटा पतला छोटा है कोई बीमारी नहीं होती है, बिना शुगर बिना बीपी बिना हैवी स्मोकिंग बिना एक्सीडेंट के पेनिस खराब नहीं होने वाला है। आप हार्मोन जांच करो, हार्मोन कमी उसको ठीक करो, हार्मोन नॉर्मल है तो साइकोलॉजिकल है, उसको दवा से ठीक हो जाता है, क्योंकि दवा प्लस सेक्स थेरेपी परमानेंट ठीक हो जाओगे। लेकिन एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से दिखा करके आप डायग्नोसिस बना के जाँच करा के दवा लो, लग के 5-6 महीने कोर्स करो प्लस सेक्स थेरेपी एक्सरसाइज करो, आप ठीक हो जाओगे, कोई बड़ी समस्या नहीं है। पहले सेक्स के बारे में ज्ञान लो, डर भगाओ, तब ठीक होगे।